नमस्कार कर रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ श्रवण दंबोली। इस बीच कटनी से खबर, जहाँ एबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बरही महाविद्यालय के प्राचार्य आर्य के वर्मा को हटा दिया गया है। छात्राओं ने विजय राघवगढ़ विधायक से प्राचार्य की शिकायत की थी। कॉमन रूम में कैमरा और बैक टच की शिकायत की गई थी। लड़कियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। कलेक्टर ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही थी। आईबीसी 24 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आईबीसी 24 की खबर का ये एक बड़ा असर हुआ है। बढ़ते आगे, खरगोन में अवैध हथियारों के निर्माण और उनकी खरीद फरोख्त को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ ग्राम सिग्नल में दबिश दी और जमीन में से खोदकर 10 अवैध पिस्टल निकाले। यह कार्रवाई आरोपी बंटी की निशानदेही पर की गई। इस दौरान एसपी की अगुवाई में 8 थाना क्षेत्रों के करीब 70 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही सभी आरोपी फरार हो गए। बता दें कि गोगांव पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सौदागरों को गिरफ्तार किया था। यह हथियार आरोपी बंटी सिख लीगर से खरीदे गए थे। खरगोन जिले के गोगांव थाना क्षेत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर पकड़ी गई है और एक आरोपी की निशानदेही पर जो है यहाँ पर करीब 10 से 11 अवैध पिस्टल के साथ साथ में यहाँ पर जो है पिस्टल बनाने की जो सामग्री है वो भी जब्त की गई है। हमारे साथ में है खरगोन जिक्सन जी, उन्हीं से पूछते हैं सर, ये जो है आरोपी की निशानदेही पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन के बाद में बहुत सारा जो है हथियार इसमें जब्त किया गया, सर किस प्रकार की सर इसमें कार्रवाई? देखिए, ये सिगनूर गाँव है गोगांव थाने का। अब बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया है। विगत दिनों जो इंटरेस्टेड गैंग पकड़ा गया था उसमें एक आरोपी बंटी सिकलीकर की गिरफ्तारी हुई थी, जो इसी गांव का रहने वाला है। बंटी सिकलीकर के इंट्रोगेशन के आधार पर काफ़ी इनपुट्स मिले थे और उसकी निशानदेही पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके जहाँ जहाँ उसने बताया था वहाँ जब सर्चिंग की गई, खुदाई की गई, तो बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनाने के औजार मिले हैं। इसके अलावा करीब 10 जो कंट्री मेड जो पिस्टल्स हैं ये बरामद हुई हैं। ये पूरा ऑपरेशन उसी की कनेक्शन में जो पिछले दिनों गिरफ्तारियां हुई थी उसी कंटिन्यूशन में है। मुझे लगता है और भी काफ़ी जानकारियां इनके इंट्रोगेशन से सामने आएंगी। ये थे एसपी धर्मवीर सिंह जी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है खरगोन जिले के गोगांव थाना क्षेत्र के सिगनूर गांव में भारी पैमाने पर जो है अवैध हथियार मिले हैं और एक आरोपी की निशानदेही पर जो है ये हथियार मिले हैं। आईबीसी 24 आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ में जो है भारी पैमाने पर यहाँ पर हथियार भी जब्त किए गए हैं। शशिकांत शर्मा, आईबीसी 24 खरगोन। आगामी चुनाव को लेकर जल्दी जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने वोट मांगने जाना पड़ेगा और यही वजह है कि माननीय चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ऑल इज वेल हो, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी वजह से ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक अखाड़ा बन गई। दरअसल नगर निगम की बैठक में बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं की बात कही, साथ ही आरोप लगाया कि निगम अफसर सुन नहीं रहे, जिसे लेकर दोनों दलों के पार्षद आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए और तब जांच कमेटी बनाने का पर फैसला लिया गया, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट निगम के सदन में पेश करेगी। बता दें कि पार्षद संध्या कुशवाहा के वार्ड में पानी नहीं आ रहा, वहीं बीजेपी पार्षद नागेंद्र सिंह राणा ने निगम दफ्तर में एजेंसी के जरिए अफसरों के वाहन लगने का आरोप लगाया। जब मैं वार्ड में वोट मांगने जाती थी तब वहाँ पानी जीरो मात्रा में था, वहाँ के लोग टैंकर से रात रात भर पानी भरते थे। अब जाके हमारे प्रयासों द्वारा वहाँ पानी कुछ आया है, तो मेरे यहाँ 4-6 दिन से पानी नहीं है, तो मुझे धरने पर बैठना ही था अपनी जनता के लिए। जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं, जिसको टेंडर दिया गया है, उसको पिछले 4-5 साल या 7 साल से कंटिन्यू एक ही फर्म को टेंडर दिया जा रहा है, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, किसी प्रकार की और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ड्राइवर से लेके डीजल से लेके गाड़ियों तक का और सब चीज़ का भ्रष्टाचार है। की सप्लाई वो अभी आज ही चालू हो जाएगी, वॉल्व खराब था। इन सामान्य तौर पे पानी पे हम लोग लगातार नज़र रखते हैं, कितना टैंक भरे, कितना हेड आया, कहीं पाइपलाइन टूटी तो हम लोग तुरंत सुधारते हैं, उसके बाद भी कहीं कमी आएगी तो टैंकर हमारे पास उससे पहुँचा। एक कमेटी बनाएंगे उसमें और जो उसकी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार करेंगे।
एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत काम करने में जुट गई। अब कांग्रेस स्थानीय मुद्दों और स्थानीय लोगों पर अपना पूरा फोकस कर रही। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस खास रणनीति को लेकर कहा कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेताओं को जो दल महत्व नहीं देते उनकी दुर्दशा कर्नाटक चुनाव जैसी होती है। स्थानीय लोग जो वर्षों से जनता के बीच सुख दुख में काम करते हैं उनकी उपेक्षा कर मनमाने प्रत्याशी तय करना ठीक नहीं। नए लोगों की फौज तैयार कर पुराने और सामाजिक जनाधार वाले लोगों का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। युवा बेरोजगारों और वरिष्ठ लोगों को कांग्रेस ने कर्नाटक में सम्मान दिया और पूरे देश में भी देगी। स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेताओं की को महत्व नहीं दे जो दल देते हैं उनकी दुर्दशा कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तरह होती है। युवा बेरोजगार नौजवान और वरिष्ठ नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी सम्मान दिया है उन्होंने कर्नाटक में पूरे देश में देगी। छतरपुर के केन बेतवा प्रभावितों का धरना आमरण अनशन और शिता आंदोलन में बदल गया। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों की नदी से लगी जमीनों का अधिग्रहण सरकार कर रही, लेकिन नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर कोई जानकारी नहीं है। धरने में कई गाँव के सरपंच भी शामिल। ग्रामीणों का आरोप है कि कलेक्टर मिल नहीं रहे और प्रशासनिक अफसर उन्हें जानकारी नहीं दे रहे। ग्रामीणों से मिलने पहुंचे आप नेता अमित भटनागर ने कहा कि गुरुवार को कलेक्टर दफ्तर का घेराव करेंगे और वहां भी उचित जानकारी नहीं दी गई तो हमारा चिता आंदोलन शुरू हो जाएगा। साथ ही कहा कि प्रभावितों को नियमित नोटिस या जानकारी नहीं दी गई। प्रशासन की मंशा गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को लूटने की है। इस दौरान प्रभावित और प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। हम लोग तो सारे मर जाएंगे, बच्चे भी हमारे सारे दिल्ली बना रहे, हमारी बहू बेटी का होना है तो क्या करेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर शुरू किया गया था। देश भर में शौचालय का निर्माण कराया गया। मिशन के तहत कवर्धा जिले को भी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अब शौचालयों में बकरियां बांधी जा रही है और शौचालयों की जर्जर हालत प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रही है। देखिए रिपोर्ट। शौचालय में बकरियों को देखकर चौंकिए मत, ये कवर्धा के गांव में काफी आम है और सिस्टम की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। दरअसल देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में भी प्रशासन ने शौचालय बनवाए थे। 2017-18 में प्रशासन ने ये दावा किया था कि कवर्धा जिला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF हो चुका है, लेकिन 6 साल बाद तस्वीरें आपको सिस्टम के काम की हकीकत बयां कर रही हैं। जो शौचालय बने हैं वो लकड़ियों के या फिर कच्ची दीवार के बना दिए गए हैं, जो वक्त के साथ अब जर्जर हो चुके हैं। कहीं छत नहीं तो कहीं दरवाजे नहीं, और यही वजह है कि ग्रामीणों ने शौचालय का उपयोग करने के बजाय फिर से खुले में शौच को अपना लिया है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं फिर से जंगल में जाने को मजबूर हैं, जहां जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी लगातार बना रहता है। महिलाओं की मांग है कि सरकार फिर से शौचालय को बनवा दे। और 4-5 साल का पहले बने रहेगा तो अब टूट फूट गए, बांस के बनाए रहन था, अब नहीं है तो कहाँ जाते, अब जंगल में जाथन तो रात भी का जाता तबू तक जाथन, तब ऐसे कई ठीक जानवर आए कि डरो लगते हलग तबू का करते नहीं जाथन, फिर तेन अब नवा शौचालय चाहिए भाई हमला। नहीं है शौचालय, कई दिन से नहीं है, वो विकट दिन के नहीं है। पहले रहीस? पहले मैं रहीस। सबके रहीस? सबके रहीस। कैसे बना रहो? टाटी के बना रहा बांस के। वहीं अफसरों का कहना है कि योजना के तहत सिर्फ एक बार ही लाभ मिलता है, जागरूकता से परिवर्तन लाएंगे। उनको हम मोटिवेट करेंगे कि वो स्वयं शौचालय बनाए, क्योंकि स्कीम का लाभ एक बार ही मिल पाता है। अगर फिर भी हम उसको ऑपरेशन करा देंगे किसे उनको लाभ दिला जाए, और उनको हम मोटिवेट करते हुए उनके यहाँ ODF करने का प्रयास करेंगे। डुमहरा, मेहरानी टोला, कांदावानी और अमनिया, ये ऐसे गांव हैं जहां जर्जर शौचालय सिस्टम के पक्के दावों की पोल खोल रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सरकार ने जब पैसा लगाया तो पक्के शौचालय नहीं बनवाए गए, जिसमें ODF से पहले शौचालयों को चेक भी किया, क्या उन्होंने आंख बंद करके मॉनिटरिंग और चेकिंग की? महिलाएं फिर से शौचालय की मांग ना करें तो क्या करें? आकाश की ऊंचाइयां छू चुकी आधुनिक तकनीक के इस दौर में गांव में शौचालय तक की व्यवस्था ना हो पाना सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गांव के पूरे लोग जो है शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं, और सभी लोग जो है पूरी तरीके से जंगल में या घर से बाहर शौच के लिए जाते हैं।
ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि ODF की जो क्रांति आई थी वह 6 साल बाद पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रही है और स्वच्छता मिशन की यहां पर धज्जियां उड़ाते दिख रही है और इस ओर ना शासन की ध्यान है ना ही प्रशासन की ध्यान है। अब देखना यह होगा कि क्या खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस ओर क्या कदम उठा पाती है। ग्राउंड जीरो से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा। तो कोरबा से बड़ी खबर, बालको और परस खेत रेंज में हाथी घुस गए। 40 साथियों का दल ग्रामीण इलाकों में पहुंच गए। हाथियों के घुसने से गांव के लोग दहशत में हैं। हाथियों के दल की निगरानी वन विभाग कर। सौ लीला